हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वीडियो एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाले हैं वॉइस ऑफ ढाका यूट्यूब चैनल का। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है इनकी लेटेस्ट वीडियो जो है ओपन कर ली है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे और मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप ऐसी एडिटिंग ब्रेकडाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि काफ़ी सारी क्लिप जो हैं आपको टर्न बाय टर्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये कैसे आप सीन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। देन आपकी जो इमेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस आप यूज़ करने वाले हैं, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फोटोशॉप ओपन कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा टर्न बाय टर्न बहुत जल्दी जल्दी जो वीडियोस यहाँ पे क्लिप आपको देखने मिलनी थी, इमेजेस और क्लिप्स जो देखने मिलनी, तो ये कैसे आई। तो यहाँ पे आपको जो है प्रीमियर प्रो यहाँ पे मेरे को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है। देन यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न आपको बहुत ही कम फ्रेम के लिए जो है फुटेज दिखानी है, चाहे वो फुटेज हो या फिर वीडियोज हो, जो भी आप दिखाना चाहते हैं तो बहुत ही कम फ्रेम के लिए दिखानी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस जो है यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जैसे कि ये कुछ इमेजेस हैं, तो इनको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। जैसे कि ये इमेजेस हो गए कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेजेस मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। अब इन सभी को मेरे को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन पे। देन इसके बाद में मेरे को बहुत ही कम फ्रेम के लिए जो है इमेजेस रखनी है। और जैसे कि मैं यहाँ पे इन इमेजेस को यहाँ पे रख रहा हूँ बहुत ही कम फ्रेम के लिए, मतलब यहाँ पे आपको 1-2 फ्रेम 3 फ्रेम 5 फ्रेम ऐसे रखनी है। जितनी फास्ट स्पीड उतना कम फ्रेम, जितनी स्लो स्पीड उतने ज़्यादा फ्रेम, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रखनी है। देखिए, मैं यहाँ पे सारी जितनी भी इमेजेस हैं सभी को छोटा कर रहा हूँ, मतलब इनके जो ड्यूरेशन है वो छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने जो सभी को यहाँ पे छोटा कर दिया है। तो अब यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है यहाँ पे, है ना। बट यदि मैं यहाँ पे इन सभी को स्केल टू फ्रेम साइज कर दूँ, तो अब देखिए आप, तो अभी देखिए काफ़ी टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे मैं, ठीक है, तो ये देखिए केवल 2 फ्रेम के लिए रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम लेना है आपको और इसको जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेना। अब यहाँ पे स्पीड देखते हैं, हमने केवल 2 फ्रेम के लिए रखा हुआ, तो अब स्पीड देख लेते हैं। तो ये देखिए कितनी फास्ट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो अभी ये यदि आपको फास्ट लग रहा है, तो आप इसको स्लो करने के लिए 3 फ्रेम या फिर 4 फ्रेम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। देन इसके बाद में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो साउंड इफेक्ट के यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैं बैक जाता हूँ, फिर से सुनते हैं यहाँ पे साउंड, ठीक है। तो ये जो कट 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 की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे आपको जो क्लिक वाला साउंड इफेक्ट है वो यूज़ करना है। और स्टार्टिंग का थोड़ा सा पार्ट बस यूज़ करेंगे, देन इसके बाद में उसी को रिपीटेड यूज़ करते रहना है। जहाँ पे कट लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे इमेजेस आप देख रहे हैं, तो ये जो इसे कट लगा हुआ है यहाँ पे, तो सेम यहीं पे जो है क्लिक का साउंड इफेक्ट, जैसे कि मैं एक साउंड इफेक्ट इम्पोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने कैमरा शटर का एक साउंड इफेक्ट जो है इम्पोर्ट कर लिया है। अब इस साउंड इफेक्ट को मैं यहाँ पे कट करूँगा, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब आप देखें कि यहाँ वाला जो साउंड इफेक्ट है, इसको हमको कट कर देना है और इसको डुप्लीकेट करते चलना है। स्टार्टिंग का बस रखेंगे बिकॉज क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है अभी यहाँ पे। अब इसका जो वॉल्यूम है आपको कम रखना है तो कम रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 5 डेसिबल कम कर दिया मैंने। तो ये देखिए, इस तरीके से पूरा साउंड इफेक्ट जो इसी तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पे आपको जितनी भी फुटेज रहेंगी सभी में इस तरीके का जो है साउंड इफेक्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि जो इफेक्ट है जो बहुत जल्दी जल्दी जो ट्रांजिशन मतलब हो रहा है कि एक इमेज से दूसरी इमेज पे जो जा रहा है, तो यही साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लुक यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन अब आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है या फिर कम रखना है, तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये आपने देखा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो रहा, तो इसकी पोजीशन को एडजस्ट करनी बस हो गया, और कुछ भी नहीं है, है ना। तो इसकी जो पोजीशन है वो आपको एडजस्ट करनी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इमेज है, सपोज मान के चलो ये एक इमेज है, तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट लिखना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया, इसका जो साइज़ है हम यहाँ पे सेंसल ग्राफिक्स में जा करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए कलर यदि हम इसको रख देते हैं, और इसके जो साइज़ है वो यहाँ पे चेंज कर लेनी है, तो ये साइज़ है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे रखा, यहाँ पे कट लगा दिया, ठीक है। और अगला टेक्स्ट जो है, मतलब टेक्स्ट वही है बट हमको बस जो है कट लगा देना है इसमें, क्यों, क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ आगे किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कट लगा दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, पहला टेक्स्ट यहाँ पे है, दूसरा टेक्स्ट जो हमारा रहेगा तो इसका जो रोटेशन है वो हमको चेंज कर देना है, ठीक है। ये रोटेशन हमने चेंज कर दिया, देन इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज कर दी हमने, और यहाँ पे इसकी रोटेशन जो है वो चेंज कर दी हमने, और इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पे कर दी, और यहाँ पे जो है इसका यदि और चेंज करना चाहते हैं आप तो और भी चेंज कर सकते हैं, और फाइनल पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो ये देखिए, ये तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, अब सेम चीज़ है, साउंड इफेक्ट आप यहाँ पे भी यदि लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो लुक आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से यहाँ पे आपने जो साउंड इफेक्ट है वो भी लगा दिया यहाँ पे, तो वो इफेक्ट वैसा सेम क्रिएट हो गया इफेक्ट जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कैमरा का जो आवाज़ आ रही है, तो कैमरा शटर सेम जैसे कि साउंड इफेक्ट हमने यूज़ किया हुआ है, तो स्टार्टिंग क्लिप में आपको लगाना है तो ये कैमरा शटर आपका आ जाएगा, जैसे ही क्लिप चेंज होगी तो वहाँ पे कैमरा शटर का जो साउंड इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद में आप यहाँ पे जो ग्लिचेस देख रहे हैं, और यहाँ पे RGB दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं आप यहाँ पे RGB दिखाई दे रहा है, तो ये इफेक्ट आपको देखने मिल जाता है। तो सिंपल आपको जाना है, यहाँ पे टाइप करना है RGB, तो ये देखें RGB में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको RGB कर्व्स देखने मिल जाते हैं। तो इसको सिंपल आप यदि अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे RGB आपका जो है यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाते हैं, देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप इनको चेंजेस कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये जो आपको यहाँ पे RGB का जो टोन देखने मिल रहा है, यहाँ पे अलग अलग कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप बिल्कुल यहाँ पे बहुत इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल हमको यहाँ पे आना प्रीमियर प्रो में, और यहाँ पे आपको टाइप करना है VR ग्लिच, ठीक है। तो ये आप टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जिस भी इमेज के ऊपर डालना है तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज के ऊपर डालना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ग्लिच इफेक्ट है इसको हम बंद कर देंगे, बट यहाँ पे जो RGB हमारा RGB देखो सेम इफेक्ट वैसे ही आ गया है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि जो पॉइंट है तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं ये देखिए हमने यहाँ पे कम कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो स्केल हो रहा है यहाँ पे ज़ीरो कर दिया, बट इसको यहाँ पे आपको बढ़ाना है, और यहाँ पे जो तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे हमने जो है कि यहाँ पे जो उसका जो ग्लिच वाला इफेक्ट था उसको बंद कर दिया, और यहाँ पे सिंपल जो RGB है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, तो इन सभी सेटिंग्स को आपके नीड के अकॉर्डिंग आप जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे वैसे इफेक्ट जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे केवल जो क्लिप्स हैं उनको जो है ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ किया गया है। तो ब्लैक एंड व्हाइट आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने मिल जाते हैं, या तो आप चाहें यहाँ पे इसका लुमिनेट्री कलर से ब्लैक एंड व्हाइट आप कर सकते हैं, या फिर आपको यदि कोई टिंट देना है कलर में तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि टिंट इफेक्ट आपको सर्च करना है और सिंपल ये इफेक्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना जिस भी इमेज के ऊपर आप देना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कलर टोन मिल जाएगी, तो जो भी कलर टोन आप चूज़ करेंगे तो उसी कलर का जो है आपको यहाँ पे कलर टोन देखने मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप टिंट कलर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन वही इफेक्ट यूज़ किया गया है जो कि बार बार आप देख रहे हैं शटर वाला, तो वो अगेन वही इफेक्ट यूज़ किया गया है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अब यहाँ पे सिंपल जो इमेज है एक मैप वो दिखाई दे रही है, ये नॉर्मल स्केल किया गया है, तो स्केल करके आप उसको की लगा करके आप स्केल कर सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे जो है स्केल पे की लगा देनी, आगे जा करके जितना भी आपको जूम करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये की लग गई तो एनिमेशन यहाँ पे हो गया। और ये जो इफेक्ट देख रहे हैं ये ओवरलेज आपको बहुत सारे देखने मिल जाएंगे, आप YouTube पे ही काफ़ी सारे ओवरलेज सर्च करेंगे, फिल्म बर्न इफेक्ट, ओल्ड फिल्म लुक, तो इस टाइप के काफ़ी सारे ओवरलेज आपको देखने मिल जाएंगे। तो इस वीडियोस में मेरे को ज़्यादातर वही इफेक्ट देखने मिल रहा है। पहली चीज़ तो RGB पूरे में लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ग्लिच का जो मैंने अभी इफेक्ट डाल करके आपको दिखाया था, तो VR ग्लिच का यूज़ कर दिया गया है यहाँ पे, तो RGB लुक जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है पूरी वीडियोज़ में, तो वो चीज़ इफेक्ट हो गया। दूसरी चीज़ की बार बार जो शटर वाला जो स्पीड है, कैमरा शटर वाला जो स्पीड आपको देखने मिल रहा है ट्रांजिशन बार बार इमेजेस और फुटेज के बीच में, तो उसका यूज़ किया गया है। साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओल्ड लुक दिखाया गया है यहाँ पे, तो ब्लैक एंड व्हाइट का यूज़ किया गया है, तो काफ़ी सारी जो जितनी भी इमेजेस फुटेज वगैरह की गई तो यहाँ पे उन सभी को ब्लैक एंड व्हाइट किया गया है। तो ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और साथ साथ में यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड लुक के साथ साथ में यहाँ पे फिल्म बर्न इफेक्ट वगैरह ये सब ऐड कर दिए गए हैं, तो वहाँ पे और अच्छा जो है लुक जो है ओल्ड आ रहा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PNG कटआउट का यूज़ किया गया है, तो ये जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये आप जो इफेक्ट देख रहे हैं तो ये पूरा आपको ओल्ड फिल्म में लुक, आप इस टाइप के ओवरलेज काफ़ी सारे सर्च करेंगे तो वहाँ पे डस्ट ओवरले इस टाइप से बहुत सारे इफेक्ट आपको इस टाइप के देखने मिल जाएंगे। अब जो ये पीछे देख रहे हैं टेक्स्ट के पीछे जो यहाँ पे शेप वगैरह यूज़ किए गए हैं, तो इस तरीके से आप मैनुअली खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ब्रश स्ट्रोक वगैरह आपको देखने मिल जाएंगे। तो ब्रश स्ट्रोक आप सर्च करेंगे PNG ब्रश स्ट्रोक वगैरह तो बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो ओवरले चल रहा है, तो इसको बोलते हैं VHS ओवरले। तो VHS करके आप सर्च करेंगे YouTube पे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी, उनको यूज़ कर सकते हैं आपकी वीडियोज़ में। अभी जो ये आप मैप देख रहे हैं तो ये जियो लेयर से रेडी किया गया है, तो जियो लेयर्स यदि आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, ऑलरेडी मैंने जियो लेयर्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। तो आप जो देख रहे हैं तो ये एक शेप के अंदर जो वीडियो दिखाई दे रही है, तो इस तरीके से मैंने बहुत पुरानी वीडियोस में बताया हुआ किस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करके किसी भी शेप के अंदर जो वीडियो को है वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैक्सिमम जो है स्टॉक फुटेज जितनी भी यूज़ की गई हैं, तो उस सभी में जो है आपको यहाँ पे VHS का ओवरले डालना है, या फिर ओल्ड फिल्म लुक ओवरले डालना है, और जितने भी डस्ट फिल्टर वगैरह इस टाइप से देखने मिल रहे हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे जो है RGB इफेक्ट भी डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा जो है इस टाइप का वीडियो जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे साउंड इफेक्ट का भी ध्यान रखना है आपको, कि जैसे जैसे जो क्लिप चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे सभी जगह जो है आपको साउंड इफेक्ट यूज़ करना, चाहे वो आप ग्लिच यूज़ करें, या फिर आप कैमरा शटर यूज़ करें, या फिर और भी कोई साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको साउंड इफेक्ट भी यूज करना है। साथ ही साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक जो है काफी अच्छा जो है यहाँ पे सिनेमैटिक ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक जो यहाँ पे यूज किया गया है। तो देख रहे हैं आप पूरे वीडियोस में आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरले पूरा यूज़ किया गया है, साथ साथ में RGB भी यूज़ किया गया है। पूरे वीडियोस ऑलमोस्ट सेम तरीके से आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, तो वो एक पूरा एक थीम क्रिएट किया गया है पूरा, कि ओल्ड लुक पूरा यहाँ पे दिख रहा है पूरा। तो इस तरीके से आप भी इन सभी चीज़ों का यूज़ करके जो है काफ़ी अच्छा जो है सेम वीडियोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, यदि किसी और भी यूट्यूब के चैनल के ऊपर यदि आप वीडियो एडिटिंग
ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक में वीडियो लेकर के आऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूंगा एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी क्रिएटिव।